नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है नालको का, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली। आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ईयर 2007 में प्राइस यहाँ पे टॉप ट्रेड किया था। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे के मल्टी ईयर का डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था। दोनों रेड लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। एंड फाइनली स्टॉक का प्राइस जो मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस बन रहा था ए रेड लाइन प्राइस, उसको यहाँ पे ईयर 2021 में ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद फिर से देखिए प्राइस यहाँ पे नया अप ट्रेंड को एस्टेब्लिश कर चुका है। एंड जिस टाइप का अप ट्रेंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुका है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ से भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर अब हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए एक फ्रेश बुलिश सेटअप यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ये जो रेड लाइन जा रहा है, ये हो गया 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज। एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस उसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास जिस टाइप का आज यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। क्योंकि देखिए ये था उसका डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। उसी केस में जो उसका प्रीवियस स्विंग लो 167, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को प्लेस कीजिएगा। और जिस टाइप का रिवर्सल सेटअप शो कर रहा है, आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस जाकर लाइफ हाई को टेस्ट करेगा 210 के आसपास। एंड 210 को ब्रेकआउट करने के बाद जो सेकंड टारगेट बनेगा, इसीलिए यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को, क्योंकि लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू टारगेट मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी ट्रेंड के ऊपर मैं फिबोनाची को प्लॉट कर लेता हूँ, जो कि हमारा इलेक्शन रिजल्ट डेट का कैंडल था। तो यहाँ पे जो सेकंड टारगेट बनेगा नियरली 243, जो कि 1.600 का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल। आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस लाइफ हाई 210 एंड 243 को टेस्ट कर सकता है। प्रीवियस स्विंग लो आर टारगेट से एग्जिट पॉइंट, उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी को एंड खुद का एनालिसिस को ऐड कीजिएगा। मेजर ऑफ होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास है, गुड साइन है। एंड FII एंड DII दोनों यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं एंड पब्लिक डिक्रीज कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो FII और DII का अग्रेसिवली एंट्री हो रहा है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट प्राइस के ऊपर आ रहा है एंड आने वाले टाइम में आ सकता है। मैं आशा करता हूँ आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।